इन लोगों से हम भी परेशान है, ये चाहते हैं कि हम घर छोड़ के चले जाएं। अब मेरा भाई एक बीकानेर काम करता है, एक जैसलमेर काम करता है, ये तो रोज झूठे नाम लिखवा देगी। क्या मेरा भाई रोज यहाँ पे झूठे नाम लिख के रोज अपने एविडेंस के प्रूफ ही देते रहेंगे? काम नहीं करेंगे, हम कमाएंगे खाएंगे क्या? नहीं, जब मैं रास्ते में आ भी रहा था तब भी इन्होंने, इनके जो बंदे थे मेरे पीछे पीछे लगातार इन्वॉल्व थे, चल रहे थे, रेकी थे। मेरा घर भी कैमरे से अंदर तक कवर किया हुआ है और आए दिन ये हमें परेशान करने के लिए कुछ ना कुछ करते रहते हैं। सर जिस दिन इसने मेरे पति पर हमला करवाया, सर इनके प्लानिंग बनी हुई थी। फिर भी वो मेरे से बोल रहे हैं कि तू दाऊद थोड़ी है, तेरे को मारना चाहे तो हम कहीं मार देंगे। देखिए हमारे ऊपर झूठा मुकदमा करके हमारे से वो केस वापस लिया जाएगा। लोहे की रोड, डंडे, पिस्टल उनके हाथ में थी, कुल्हाड़ी थी सर उनके हाथ में। तो फिर हमारे लोकतंत्र का फायदा कर, मैं भी मेरे पति से कह रहे कि तू बाहर आ, हम तुझे जान से मारना चाहते हैं। मैं मेरे पूरे परिवार के साथ सुसाइड कर लेते और मेरा मकान ये ले लेगा और स्टे भी हट जाएगी और ये रह लेगा और फिर कोई बात ही नहीं रहेगी। नहीं, उन्होंने मेरे घर में लाठी डंडों के साथ अपने भाइयों को उतारा। करती हूँ कि इसका नार्को टेस्ट कराया जाए और मेरे परिवार को अभी जान का खतरा बना हुआ उन लोगों से। मेरा फ्यूचर, मेरा कैरियर सब कुछ बर्बाद करने के लिए हमारे साथ ऐसा कर रहे हैं। हम आपको जो सीसीटीवी फुटेज दिखा रहे हैं, ये फुटेज है 22 फरवरी का करीब रात 8:15 बजे का, जब राजेंद्र नाम का एक युवक जो बाजार में जिसकी रेडियो लगती है, वो अपनी रेडियो से सेल इकट्ठी करके और साई मेडिकल स्टोर के बाहर खड़ा होकर के उन पैसों को गिन रहा था, उसी वक्त दो युवक आते हैं और राजेंद्र पर ताबड़तोड़ हमला कर देते हैं। आप देख सकते हैं सीसीटीवी फुटेज के अंदर के किस तरीके से राजेंद्र पर बेरहमी से यानी कि लाठी डंडों से वार किया जा रहा है। इसको लेकर के शहर भर में हड़कंप मच जाता है। राजेंद्र ने बताया कि वो अपनी तीनों रेडियो की जो सेल होती है वो इकट्ठी करके साई मेडिकल स्टोर पर पैसे गिन रहा था, उसी वक्त दो बदमाश आते हैं और इसके नाक पर रिवॉल्वर का बट मारते हैं जिससे वो नीचे गिर जाता है। उसके बाद लाठी डंडों से इस पर हमला कर दिया जाता है, कुल्हाड़ी से वार कर दिया जाता है। अब इसका राजेंद्र का निजी हॉस्पिटल में उपचार भी चल रहा है, वो भी हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। इस पूरे मामले को लेकर के राजेंद्र सैनी का और उसके परिवार का क्या कहना है वो हम आपको सुनवाते हैं कि आखिर क्यों उस पर हमला किया गया है। मंगलवार को मैं अपनी रेडी पर गया हिसाब करने के लिए, जो मेरे लड़के काम करते हैं उनसे मैं गोदाम रेडी के पैसे लेके उनको मैंने गोदाम पे भेज दिया, भाई रेडी खड़ी कर जाओ। मैं रेडी को जो पैसे थे उन्होंने जो मेरे पकड़ा कर गए थे वो मैं जो मेरे जहाँ पर मैं रेडी लगाता हूँ वहाँ पीछे खड़े होके मैं साई मेडिकल स्टोर के वहाँ उन पैसों को मैं गिन रहा था। अचानक से मेरे इस पैर पे जो था कुल्हाड़ी से लगी, पीछे देखा मारने वाला वो था रिंकू सैनी है, नरेंद्र महावीर सैनी वो और नरेंद्र सैनी और एक था अंगद नाम का एक लड़का है, उसके हाथ में पिस्टल थी, उसने मेरे पिस्टल से मेरे नाक पे बट मारी, मैं नीचे गिर गया। नीचे गिरते ही उसके साथ आए हुए थे विक्की महावीर, विक्रम सैनी, रामोतार सैनी और ये खुशी राम सैनी, नरेंद्र सैनी और ये मोनू नाम का एक लड़का जो अंगद का भाई हो। इन्होंने बेहिसाब मेरे मारने लग गए। मैंने इनसे रिक्वेस्ट भी करी क्यों मारे, इन्होंने मेरे को छोड़ा नहीं, मारते रहे। मोनू नाम का जो लड़का है उसे कह रहा था रोज़ रोज़ का टंटा ख़त्म हो जाएगा, इसकी गोली मार दे, अपना भाई से बोल रहा था वो है ना, टंटा ख़त्म हो जाएगा, सारा झगड़ा की फंसा दिया है, ख़त्म हो जाएगी। कितने लोग थे? ये 6-7 लोग थे, 2-3 और लोग थे जिनको मेरे सामने आएंगे मैं उनको पहचान लूंगा। आपकी पुरानी रंजिश है? ये पुरानी रंजिश थी जी, ये मेरे को 15 महीने से लगातार ये परिवार, ये जो महावीर सैनी का जो परिवार है और ये इनसे रिलेटेड है ये किशन लाल सर, इससे मेरा जमीन विवाद चला हुआ था इसमें SDM कोर्ट में, मेरा वो जो SDM कोर्ट में मामला विचाराधीन है, उसके बाद से लगातार मेरे ऊपर दबाव प्रेशर। विवाद किस चीज़ का है ये जमीन? सर ये कोई विवाद नहीं है सर, ये सर आए दिन लाठी डंडों के साथ मेरे घर में जो ये है ये लड़की है एडवोकेट है, ये अपने परिवार के लोगों को मेरा एक ही बराबर मकान है, अपने घर में से मेरे घर में उतार देती है,
ऐसे मत दिखता तुम को, राड लेके, डंडे लेके, पिस्टल लेके मेरे घर में उतरे हुए थे। जब भी इन्होंने मेरे पे प्रेशर डाला, मैंने इनसे विवाद, बड़ा परिवार होने की वजह से इनसे विवाद ना करके, लोगों के दबाव में या प्रशासन ने कहा इसने दुश्मनी क्यों ले, इनका तो इतने मुकदमे दर्ज हैं। मैंने इस बात को मानते हुए चौकी मेरी दरगाह देने गए तो वहाँ भी कुछ मुलाजिम हैं जो मैंने आगे अपनी पेश की हुई है शिकायत, उनके खिलाफ शिकायत दी थी। ये किस वक्त का घटनाक्रम है सर? ये सर कुछ दिनों पहले का है सर। वो मैं नहीं, जो आपके साथ जो वारदात हुई है, मार पिटाई हुई, ये किस टाइम की घटना है? ये 22 तारीख की घटना है जी। टाइम क्या था उस वक्त? ये 8:15 के लगभग था। इन्होंने सर पूरी प्लानिंग की हुई थी मेरे को मारने के लिए, पूरे दिन से ही ये लगातार एक्टिव थे। ये सारे जो मैंने नाम दिए हुए जितने थे ना, ये थे जो मैंने नाम बताए, और इनसे जो रिलेटेड लोग हैं ना, इन्होंने पूरे दिन से मेरे को मारने की, जान से मारने की प्लानिंग की हुई थी। ये प्लानिंग इन्होंने क्यों की थी वो मैं आपको बताऊं। मैंने एक शिकायत दी थी सर, वो तारीख गृह मंत्री अनिल विज को, अपने परिवार की सुरक्षा के लिए 27/1 को अनिल विज के पास दी थी सर। वो शिकायत पर सर कार्रवाई के लिए नोटिस आया मेरे घर, उस नोटिस के पक्ष में मैं सर DSP बावल के पास सम्मुख पेश हुआ 21 फरवरी को। वहाँ पे मैंने अपनी सारी दुख दर्द बताए सर, मैंने अपने सारे तथ्य दिखाए, वीडियो दिखाई। उन्होंने कहा कि आपके साथ न्याय होगा, अन्याय नहीं होगा। मैंने उससे कहा सर मेरे साथ बहुत पहले भी बहुत बार घटना हो चुकी है सर। 22 तारीख को जो आपके साथ मारपिटाई की गई, जिस तरीके से आपको जान से मारने की कोशिश की, जो हालत देख रहे बड़ी बेरहमी से आपको मारा है। हाँ जी, कोई बचाने को आया बीच में? इतने सारा बाजार के लोग होंगे सर, बाजार उस टाइम, बाजार रात का 8:15 थे, उस वजह से बाजार में लोग बाग थे नहीं। जो मेरे साथ आसपास रेड लगाते हैं वो कि थे नहीं, कुछ थे वो बेचारे डर के मारे, बदमाश परवर्ते के लोगों से डरते थे, वो सामने नहीं आए बेचारे। और समा हाथ में उनके हथियार थे। पुलिस ने क्या कार्रवाई की है अभी तक? पुलिस ने सर अभी तक मेरे मैंने सर अखबार के द्वारा पता चला कि लोगों ने पुलिस ने 3 लोगों को पकड़ लिया गया है, और अभी जो आरोपी है उन लोगों को, मेरी मम्मी आई थी कल खाना खाने के लिए, वो बता रही थी देने के लिए रास्ते में, तो उनके घर की महिलाएं भी मेरी मम्मी सब शब्द बोलने लगी। कल आपने कितने लोगों के नाम उसमें लिखाए हैं जो FIR है उसमें? सर 7 लोग तो एक है, और बाकी जिनको मैं पहचानता हूँ ना, वो 3 लोग हो रहे हैं सर, वो मेरे सामने आ जाएंगे ना, मैं उनको पहचान लूंगा। लेकिन जिस एडवोकेट की आप बात कर रहे हैं वो बार बार ये करिए मेरे भाई तो यहाँ थे ही नहीं, बाहर है। नहीं जी, वो राजस्थान में काम कर रहे हैं। वो सर वो लड़की इतनी सत्य लड़की है, उसके भाई मुंह के कपड़े बांध बांध के, और भी अन्य लोग, मैंने अपने घर पे CCTV कैमरे लगाए हुए थे अपनी सुरक्षा के लिए। आपके पास कुछ ऐसे 2-4-5 जो आपके साथ मारने आ रहे हो घरों में? सर वो जो पहले मेरे पास, जो मेरे घर में पहले घुसे हैं लाठी डंडों के साथ मेरे को मारने के लिए, उन्होंने धमकी दी हुई है मेरे को जान से मारने की, इसको गोली मार दो, वो मेरे पास फुटेज है। वो मैं जब आप कहोगे मैं आपको चला सकते हो आप उस वीडियो में, और मैं प्रशासन के सामने पेश कर चुका हूँ और कर भी दूंगा। और जब उसके बाद भी ये लोग लाठी डंडों के साथ मेरे घर आए हैं मेरे को धमकाने के लिए, 1-2 और वो पुलिस मुलाजिमों के साथ भी मेरे को धमकाने के लिए आए हैं। पुलिस मुलाजिम 7 हैं, फिर भी वो मेरे से बोल रहे हैं कि तू दाऊद थोड़ी है, तेरे को मारना चाहे तो हम कहीं मार देंगे। तो ये लड़ाई आपके परिवार की आपस में? नहीं, आपके परिवार में ही है? नहीं, आपको मेरा सर रेवाड़ी शहर में मेरा परिवार है, वो अकेला परिवार है। मेरे पापा रिक्शा चलाते थे, मैं रेडी लगाता हूँ। मेरे रेवाड़ी में मेरे अलावा मेरा, मेरे जो दादा लाई प्रॉपर्टीज में, मेरे रिलेशन में कोई नहीं है जी, मैं अकेला हूँ। सैनी चौपाल के पास मकान है क्या? हाँ, सैनी चौपाल है, पीपल का पेड़ के सामने गली में मेरा मकान है सर, दादा लाई मकान है मेरा। अच्छा, हाँ। तो पुलिस ने क्या कहा, कितने लोग इसमें गिरफ्तार किए हैं? 3 लोग किए हैं। हाँ, अखबार के माध्यम से पता चला इसमें 3 लोग गिरफ्तार हुए अभी तक। कुछ बाहर भी निकाले हैं कुछ 2-3 लोगों को? सर उसमें लगातार ये क्यों, एक ही परिवार है मोहल्ले के अंदर, लगातार प्रशासन पे राजनीतिक और बदमाशी की प्रवृत्ति के लोगों के द्वारा भी, राजनीतिक के द्वारा भी और अन्य माध्यमों के द्वारा उन लोगों को बचाया जा रहा है। आप पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट हैं? मैं तो पुलिस कर्मचारी से बाबू जी यही कहता हूँ, जैसे उन 3 लोगों को गिरफ्तार किया जाए। आप पुलिस की कार्रवाई जो अब तक हो रही है उससे संतुष्ट हैं या नहीं है? पुलिस की कार्रवाई से जी अभी तो 3 लोग गिरफ्तार हुए हैं, जब सारे गिरफ्तार हो जाएंगे और सारे जो मेरे घर में आगे से जो पहले भी मेरे घर में घुसे हैं
कोई मेरे घर पे आए हुए हैं। मेन इस वारदात की बात हो रही है, इस वारदात में जो कार्रवाई हुई है उससे आप संतुष्ट हैं या नहीं है, ये सवाल है मेरा। ये अभी तक तो सर, अगर जैसे इनका माहौल चल रहा है, तीन आरोपी पकड़े गए हैं और बाकी बाहर घूम रहे हैं, और मेरे परिवार को अभी जान का खतरा बना हुआ है उन लोगों से, तो इसमें संतुष्टि तो क्या करम, क्या संतुष्टि क्या कहते हैं, क्या कंडीशन आपकी है, कब तक कंडीशन? डॉक्टर ने अभी बताया भी मेरी जो है, मेरी बैग में मेरी लगी हुई है, मेरी रीढ़ की हड्डी में कुछ है चोटे वगैरह, उसकी अभी तो रिपोर्ट आएगी, और मेरे सिर में भी है कुछ अंदरूनी चोट। पुलिस ने जब आपके साथ जो मारपिटाई हुई, वहाँ सीसीटीवी कैमरे लग रहे थे सर, वो मुझे इस मामले में निकाले हैं, पुलिस ने बताया कि उसमें कुछ ना चेहरे आ रहे हो कुछ सर, उसमें मेरे को कोई जानकारी नहीं है सर, कोई जानकारी नहीं सर। और जो उन्होंने मेरे साथ मारपीट करके जो मेरे पैसे छीने हैं ना, कितने पैसे थे सर? वो मेरी दुकानदारी के पैसे थे, 37,000 कुछ रुपए थे, मेरी डायरी थी सर उसमें, और वो ले गए सर मेरे। मैं गरीब आदमी हूँ, जब मैंने वो जो मेरे माल के पैसे थे वो मैंने मंडी में आड़ती के जमा करवाने हैं सर, मेरे तुरंत उन लोगों से पैसे जमा करवा के और मैं उन पे मेरे को दिए जाएं, और मेरी पैसे की बरामदगी दिखा के उन लोग मेरे सिर पे सर जो मेरे है मेरे को न्याय दिला। आपने जिस टाइम मारपिटाई हुई, आपने किसी के चेहरे देखे वहाँ पे जो जिन बाई फेस जानते हो? हाँ सर, मौजूद थे। हाँ, उनमें कौन कौन नाम है जो मौके पे मौजूद? मैं सर बता दिया, यही नाम थे सर जो मैं बताए हैं अभी। अच्छा, हाँ मैंने वो देखा हुआ था कुछ, जब मैं रास्ते में आ भी रहा था तब भी इन्होंने, इनके जो बंदे थे मेरे पीछे पीछे लगातार इन्वॉल्व थे, चल रहे थे, रेकी थे, लेकिन मैं इस चीज़ से अनभिज्ञ था। कितनी देर बाद पहुंच गई थी आपके वहाँ पर? मेरे परिजन पहुंचने के बाद पुलिस पहुंची वहाँ पर। यानी कि आपकी पिटाई वो कर रहे थे, उसके बाद आपके पता आपको चला, आपके मेरे जब वो चले गए, मार के चले गए सर। वहाँ पे जो आसपास जो भीड़ थी, इधर उधर जाने वाली सवारी थी, उन लोगों ने शोर मचाया जब जो आरोपी भागे, और उसके बाद वहाँ पे खड़े कुछ लोगों ने लोहे की रोड वोड भी थी, लोहे की रोड, डंडे, पिस्टल उनके हाथ में थी, कुल्हाड़ी थी सर उनके हाथ में। तो पुलिस ने पिस्टल बरामद की अभी तक नहीं की सर? अखबार में तो नहीं पता मुझे इस मामले में सर। सीमा सैन है सर, पत्नी राजेंद्र सैन। अच्छा, क्या हुआ था ये बताइए, आप क्या कहना चाह रहे हैं? सर मैं 18 महीनों से दुखी हूँ, जो इन्नीस एडवोकेट नाम की लड़की है, इसके भाई अपराधी टाइप के लोग हैं सर। रात को मुंह पे कपड़ा बांध बांध के आते हैं, मेरे पास इस चीज की फुटेज है, गंदे लोगों को साथ लाते हैं। उसके भाई हैं जो गंदे लोगों को साथ ला के अपने घर में घुस जाते हैं, फिर मेरी छत पे सपने फिर उतारते हैं सर, उनको खुद भी उतारते हैं और उनको भी उतारते हैं सर। उन्होंने एक बार भी मेरे घर में लाठी डंडों के साथ अपने भाइयों को उतारा हुआ था सर, और दो जने नीचे उतरे थे मेरे। कितने भाई हैं उसके? उसके दो भाई हैं सर, और जो उसके चाचे ताऊ के लड़के हैं। क्या करते हैं वो भाई? सर वो यही करते हैं सर, रात को आते हैं मुंह बांध बांध के, दिन में छुपे रहते हैं। काम क्या करते हैं सर? ये तो मैं नहीं जानती, बस ये मैं ये जानती हूं। आपके पड़ोस में ही है वो, उनका घर भी? हाँ जी बिल्कुल, भिड़ के हमारे कोई लड़ाई चल रही है, आपकी कोई विवाद चल रहा है उनके साथ? हाँ जी। बताओ, नहीं उन्होंने मेरे घर में लाठी डंडों के साथ अपने भाइयों को उतारा, पिस्टल थी उनके हाथ में, डंडे थे, इस चीज की वीडियो मैं आपको पेश कर सकती हूँ। और मेरे उस टाइम भी मेरे पति कह रहे थे तो बाहर आज हम तो जी जान से मारना चाहते हैं सर। इस टाइम हमने गेट नहीं खोले तो छत पे तोड़ा फोड़ी की गई, जो नीस एडवोकेट उसने अपने घर में पहले उन लड़कों को ड्रिंक कराई सर, उसका पिता है महावीर, वो उसकी सपोर्ट करता है सर पीछे, अब उसने अपनी लड़की को आगे किया हुआ है सर, खुद छुपा रहता है अपनी बेटी को आगे कर रहा है सर। उसके पिताजी ने भी हमें धमकी दी थी, या तो बेटा तू यहाँ से छोड़ के चला जा, नहीं मेरी बेटी एडवोकेट है, हम तो जितना परेशान करा देंगे कि तू जा भी छोड़ के जाना पड़ेगा सर। लेकिन जैसा हमें जो जानकारी मिल रही है, जो उसके भी फोन आए थे, क्योंकि आप लोगों के भी फोन आ रहे थे, वो कह रही मेरे तो दोनों भाई बाहर राजस्थान सर। वो ऐसे ही करती हैं, वो पहले वारदात करवा देती हैं। उसने एक दो बिल्कुल सही देखा है सर, मैं आपको फोटेज पेश कर दूंगी इस चीज की। अच्छा। उसका भाई जो विक्की है अभी भी इधर ही है सर, जब कोई जैसे बाहर से कोई लोग आते हैं उनको लोग करके उसको कमरे में बंद कर देती सर, ये पहले भी ऐसा करती थी ये लड़की। और जो कि सर जिस दिन इसने मेरे पति पर हमला करवाया सर, इनकी प्लानिंग बनी हुई थी, क्योंकि वो आए थे, नोटिस आए थे सर, मैंने गृह मंत्री को एक एप्लीकेशन पेश की हुई है सर, चंडीगढ़ गृह मंत्री अनिल विज को, तो उसकी इंक्वायरी आई थी सर। उस टाइम मैं मार्केट गई हुई थी, संडे का दिन था उस दिन सर, उस दिन पुलिस मुलाजिम के सामने इसने सर बहुत हमारी हंसी उड़ाई थी सर, हम घर पे कोई नहीं थे, मेरे जो देवर हैं वो तीन और चारों बच्चों को लेके पारा गए हुए थे सर, मेरे पति मंडी थे सर, और मैं और मेरी देवरानी मार्केट गए हुए थे, मेरी जो सास है वो अपनी मेरी मौसी सास के घर गई हुई थी सर, सती कॉलोनी में घर है उनका।
तो पुलिस मुलाजिम सामने से हमारी बहुत हंसी उड़ाई। मतलब ये जो मेरा मतलब ये है, जो लड़ाई है ये आपकी रंजिश की लड़ाई है, ये आपको जो सर जो मैंने गृह मंत्री को कंप्लेंट दी उसकी वो इंक्वायरी आई थी सर, हमें बावन पे समझ गया। ये जो मार पिटाई की है 22 तारीख को, ये उसी रंजिश में मारा पिटा है। हाँ जी, यही बयान पेश ना कर पाए। तो सर ये सारी लेडीज पेश हुई, बावन टीएसपी के सामने सारी लेडीज पेश हुई, इसने अपने कोई भी अपने आदमियों को नहीं लेके गई। तो सर हम वहाँ सर ने पूछा, डीएसपी सर ने पूछा कि तुम्हारे वो कहाँ है, तो कह रही डॉक्टर के। जैसे ही सर हम वहाँ से निकले, हम बाइक पे मेरे देवर थे, मैं थी और मेरे पति थे सर, तो गाड़ी चलती गाड़ी में इनके जो भाई है वगैरह है, जो ये पड़ोसी हैं, ये जो ये सर धमकी दे रहे थे हमें, या तो तुम अपने बयान पेश मत करना, अपनी कंप्लेंट वापसी ले लो, वरना तेरे पति के हम हाथ पैर तोड़ देंगे। सुनो जान से मार दे, पहले मेरी ये बात सुनो सर प्लीज, कि जान से मार देंगे तेरे पति को। सर हमने दूसरे दिन अपने बयान तैयार किए सर, शाम को मेरा पति मंडी गया सर, मैं मंदिर गई हुई थी सर, उसने पीछे से हमला करवा दिया। वो ये कह रही थी सर, वो हर बार ये करती है सर, पहले तो मेरे पति पर हमला करवा देती है, हमें परेशान कर देती है, फिर उनकी पैरवी करती है सर उनको बचाने के लिए। और वो जो ये लड़की है, जो ये जमीनी विवाद ही हमारा सर एसडीएम कोर्ट में चल रहा है, इस हमने उस पर दावा डाला हुआ है सर, उसने 12 फुट की गली पर कब्जा किया हुआ है सर, हमारा कब्जा किया हुआ है, कब्जा किया हुआ सर, इसलिए हमने उस पर दावा डाला हुआ है। उस रंजिश में वो हमें परेशान करा रही है कि या तो तुम अपने ये दावा वापसी ले लो, वरना तुम्हें यहाँ से हम भगा के ही दम लेंगे सर। ये हम इस मामले में हम राजीनामा है सर मेरे पास, वो राजीनामा लिख के लिखित में लिया सर मैंने, ताकि कल को मुकर ना जाए कि हम तो ऐसे कुछ कहा नहीं सर। तो आपने सुना कि हमलावर कौन थे, क्यों हमला किया गया, किस वजह से हमला किया गया, ये तस्वीर साफ हो गई है। लेकिन इसके अंदर कई सारे नाम हैं जो एफआईआर के अंदर दर्ज कराए गए हैं, उसको लेकर के बड़ा सवाल है, जो जिनके नाम आए हैं उनके परिजन इस पूरे मामले पर क्या कहते हैं वो हम आपको सुनाते हैं। लेकिन आपको बता दें, इसमें पुलिस ने तत्परता से कार्रवाई करते हुए कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया है, कुछ और लोग अभी इसके अंदर बाकी हैं जिनकी अभी गिरफ्तारी होनी है। लेकिन जिनके नाम आ रहे हैं उनके परिजन क्या कहते हैं वो हम आपको सुनवाते हैं। आप क्या कहेंगे, उन्होंने सीधा सीधा एलिगेशन लगाया कि आपके भाई भी इस पूरी वारदात में शामिल थे। ऐसा है, जो राजेंद्र सैनी है वो हमसे रंजिश रखता है, क्योंकि उसने नगर परिषद की जमीन पे एनक्रोचमेंट किया हुआ है और वो उसको और भी बढ़ा रहा था, और जो कि मेरे पास सिर्फ 5 फुट का रास्ता, वो भी उसने ऑलरेडी एनक्रोच किया हुआ है, उसने 2 फुट से 2.5 फुट का छोड़ा हुआ है, और उसने मेरे घर के आगे और भी नालियां वगैरह मतलब बहुत कुछ खोला हुआ है। तो मैंने इन सब चीजों के लिए उसके खिलाफ सिविल कोर्ट के अंदर मुकदमा डाल हुआ है, जो अपने माननीय एसडीएम साहब की कोर्ट में पेंडिंग है, और उस पर स्टे ली हुई है। जिस दिन से मैंने स्टे ली है उस दिन से ये परिवार मुझे स्टे लेने के लिए बार बार हैरेसमेंट करने के लिए क्रिमिनल अप्लीकेशंस लगाते हैं। जब मैंने कोई भी सिविल अप्लीकेशंस सीएम साहब के या अपने हेल्थ डिपार्टमेंट में, नगर परिषद में, कोर्ट में, जब मैंने कोई भी सिविल अप्लीकेशन लगाई, तो इन लोगों ने मेरे खिलाफ झूठी अप्लीकेशंस लगाई और मुझे परेशान किया गया बार बार, ये हैरेसमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे दोनों भाई बाहर रहते हैं मेरे। 22 तारीख में आपका क्या रोला था, 22 तारीख में तो वारदात हुई है, उस दिन आपके भाई कहाँ थे? उस दिन मेरे दोनों भाई बाहर थे, मेरा बड़ा भाई मेरा जैसलमेर है, और मेरा छोटा वाला भाई जो कि बीकानेर काम करता है, उसकी कंपनी बीकानेर है, और उसकी कंपनी का जो भी सिस्टम है, फील्ड का वर्क जो भी है, वो उसको कहीं भी भेजती है। और उस दिन मेरा भाई लखनऊ सीतापुर में था वारदात वाले दिन, और लखनऊ सीतापुर से आने में, रेवाड़ी में आने में कम से कम 10 से 12 घंटे का टाइम लगता है, लेकिन इसने रंजिश बस ताकि मैं स्टे हटा लूँ मुकदमा वापस ले लूँ, इसलिए इसने मेरे भाई के ऊपर झूठे एलिगेशंस लगाए हैं। मेरा पूरा घर सीसीटीवी कैमरे में कवर है, मेरे पास मेरे भाई की 16 तारीख को मेरा भाई घर से गया है, उसकी टिकट है, उस टिकट के बाद उसकी सारी लोकेशंस है, उसकी कंपनी ने उसकी हाजिरी और सारा कुछ उसका लिख के दिया है। आपके भाई का नाम क्यों लिया विकास, आपके और भी तो अड़ोसी पड़ोसी लोग हैं। इसने ये जो राजेंद्र है ये वैसे आपराधिक प्रवृत्ति का भी है, और ये और एक्टिविटी में भी रहता है, और ये रंजिश बस ताकि मैं मारने वाले में आप ही के पड़ोसी का नाम भी तो है ना, अंगद वगैरह 3 इसके अंदर जो पकड़े गए हैं, पुलिस ने पकड़ा भी है 3 को, आपके भाई का भी नाम आ रहा है उसके अंदर,
आपसे ऐसी क्या रंजिश है, ये आप ही के साथ और भी आसपास के पड़ोसी सर, इसने पूरी जमीन पे एंक्रोचमेंट करने के बाद भी आगे रास्ते को रोक के रखता है, बाइक वगैरह सब कुछ खड़ी रखता है, हमें निकलने के लिए भी रास्ता नहीं देता। और जब भी कोई पड़ोसी इसको बोलते हैं कि भाई इसको रास्ता दे, तो ये धमकी देता है जान से मारने की। ये अपने घर, इसके घर आपराधिक तत्वों का आना जाना भी है। और मैं तो ये कहूंगी, बल्कि इसकी खुद की तस्दीक की जाए कि इसका उठना बैठना किस प्रकार के लोगों से है। क्योंकि मेरे घर में मेरी मम्मी है जो 60-65 साल की, मेरे पापा है 70-75 साल के, उनके ऊपर भी इसने एलिगेशंस लगाए थे। तब भी मेरे पापा यहाँ नहीं थे, प्रेजेंट थे। ये बार बार मेरे भाइयों के ऊपर एलिगेशन लगाती है ताकि मैं इस दबाव में आकर ये मुकदमे वापस ले लूं। और ये मेरी इज्जत और साख भी खराब करना चाहती है, क्योंकि मैं मैरिड हूं। इसने कहा है कि मैं तेरी ना तो शादी होने दूंगी, तेरे परिवार की और तेरी समाज में ना तुम्हारी इज्जत को नीलाम कर दूंगी। और आपका आए दिन झगड़ा चलता है क्या इन छोटी छोटी चीजों? हम इससे झगड़ा नहीं करते, आप सीसीटीवी फुटेज देखते रहते हो, ये हम इससे झगड़ा करने के लिए कुछ ना कुछ करते हैं, लेकिन हम इनसे ना तो बोलते हैं ना हमसे कोई झगड़ा करते हैं। लेकिन उनको मारा गया है जिस तरीके से, उसको तो किसी भी तरीके से जायज नहीं ठहराया जा सकता। जायज नहीं ठहराया जा सकता, मैं कहती हूँ जिसने भी उसको मारा है या जिसने भी किया है वो दोषियों को तो सजा दी जाए, लेकिन जो भी निर्दोष के इसने नाम लिए, इसमें और भी बहुत से लोग हैं जो उस दिन बाहर थे, इसने और भी काफी लोगों के नाम लिए हैं जो कि इस वारदात में शामिल नहीं थे। निर्दोष लोग हैं जिनको निकाला गया है इस मामले से बाहर? अभी तक मेरी नॉलेज में नहीं है कि इस मामले से बाहर किस किस को निकाला गया है, लेकिन अभी तस्दीक जारी है और पुलिस प्रशासन सहयोग कर रहा है। पुलिस प्रशासन ने बोला है कि निर्दोषों को किसी को भी सजा नहीं होगी, वो और पुलिस अपना काम ईमानदारी से करे, पुलिस प्रशासन से हमें कोई शिकायत नहीं है। लेकिन इस पड़ोसी ने इतना हमें, मुझे परेशान करने के लिए, क्योंकि मेरे दोनों भाई बाहर रहते हैं और मेरे मम्मी पापा बुजुर्ग हैं और मेरे साथ मेरी विधवा बहन रहती है और मेरे पास सिर्फ 5 फुट का ही रास्ता है, इसने मेरा घर भी कैमरे से अंदर तक कवर किया हुआ है और आए दिन ये हमें परेशान करने के लिए कुछ ना कुछ करते रहते हैं। आप पर एलिगेशन लगा रहे हैं, आप परेशान करते हैं, उसके भाई नकाब ओढ़ के आते हैं वहां मारने, जितने भी एलिगेशन है। अब उसने तो पूरे शहर से दुश्मनी ले रखी है, वो इस मुकदमे को हटाने के लिए खुद भी बुलाता है लोगों को, कोई भी आता है उसके, अगर आप भी उसको कल को थप्पड़ मारोगे तो वो मेरा ही नाम लेता है, क्योंकि वो इस स्टेक और मुकदमे को वापस लेने के लिए मेरे दबाव बना रहा है। मुझे इस चीज का अंदेशा था, इसलिए मैं पहले भी 2021 अक्टूबर 2021 में मैं एसपी साहब की एप्लीकेशन भी लगाई थी कि सर ये मुझे मुकदमा वापस लेने के लिए बार बार दबाव बना रहा है, और इसलिए मैंने एप्लीकेशन दी थी कि हमें झूठे मुकदमे में फंसा सकता है, क्योंकि ना तो मेरा पूरा पारिवारिक रिकॉर्ड जांच कर लिया जाए किसी भी तरीके से, और हमारे पूरे परिवार की, मैं तो मेरी प्रशासन से अपील है कि हमारा नार्को टेस्ट कराया जाए, बल्कि मैं तो कहूंगी नार्को टेस्ट हमारा भी कराया जाए और जो हमारे ऊपर एलिगेशन लगा रहे उनका भी। पुलिस आपके घर गई थी आपके भाई की तलाश करने, आपके भाई मिले थे उनको? मेरा भाई उस दिन था ही नहीं, उस दिन बीकानेर था, पुलिस आई थी, उन्होंने हमसे पूछा कहा है, मैंने कहा आपका भाई कब का गया हुआ बीकानेर? भाई का हेड ऑफिस बीकानेर है। कब से गया हुआ? वो 16 तारीख को गया था और वारदात 22 को हुई। वो तो कह रहे हैं यहाँ थे वो, नहीं योजनाबद्ध तरीके से उस दिन यहाँ पे थे आपका भाई। अगर वो ये कह रहे हैं तो उनके घर में भी सीसीटीवी फुटेज लगे हुए हैं, 16 से लेके 22 तक खुद रोज दोषी राजेंद्र के घर में सीसीटीवी फुटेज लगे हुए हैं। अगर मेरा भाई घर था तो उसके सीसीटीवी फुटेज में कहीं ना कहीं मेरे भाई की फोटो जरूर आएगी, अगर वो ऐसा बोलते हैं। अगर मेरा भाई घर से निकला है, मिले एसएचओ से मिले? हाँ जी मैं मिली हूँ। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने बोला है कि तस्दीक जारी है और मैंने मेरे भाई के सारे डॉक्यूमेंट मांगे हैं, कुछ डॉक्यूमेंट मांगे और मैंने डॉक्यूमेंट्स दे दिए हैं। लेकिन हम इस अगर मेरी गृहमंत्री साहब से, सीएम साहब से अपील है कि ये आदमी मुझे इतना हरेश कर रहा है, ये मेरे घर पे कब्जा करना चाहते हैं, क्योंकि जब मैंने कोर्ट में केस डाला तो मैंने इनका 91 का नक्शा देखा, जिसमें कि इसने नगर परिषद में मेरे मकान का नक्शा बनवा के पास करने की कोशिश की हुई है, जिसमें नगर परिषद ने साफ साफ शब्दों में लिखा हुआ है मेरे मकान को कलर करके कि हम इस नक्शे को पास नहीं कर रहे हैं। कितने सालों से आपकी लड़ाई चल? हमारी लड़ाई तो हमें तो इसका पता ही नहीं था, इनके अंदर जो ये गलत तरीके से, इनके अंदर जो इंटेंशन है गलत तरीके की, ये तो पता नहीं कितने सालों से थी, लेकिन हमें इसकी गलत इंटेंशन, जब इसने जो चौतरा और छज्जा जो बनाए हुए लैट्रिन बाथरूम हमारे रास्ते पे बनाए हुए हैं, आपके परिवार में? नहीं, हमारे परिवार में नहीं है। इनके पास इस जमीन के कागज भी नहीं है, शामलात में रहते हैं, हमारा मकान खरीदा हुआ है 69 का, हम यहाँ रहते हैं और हमारे मकान की रजिस्ट्री भी है और हमें तो पता भी नहीं आपने, था इनकी इंटेंशन का। एसएचओ को डॉक्यूमेंट पेश किया कि मैंने एसएचओ साहब को, हाँ मैंने एसएचओ साहब को मेरे भाई की टिकट और जिस दिन मेरा भाई 16 तारीख को घर से निकला है, मैंने वो सीसीटीवी फुटेज भी एसएचओ साहब को दिए और मेरे भाई की लोकेशन की जो ट्रेसिंग होती वो भी निकलवा के मैंने एसएचओ साहब को दी और मेरे भाई की कंपनी ने भी पूरे डॉक्यूमेंट। इससे पहले भी इस तरीके की वारदातें हुई है क्या आपके खिलाफ, शिकायतबाजी एक दूसरे की आप करते रहे हो? हमारी वारदात में कोई भी मेरे भाइयों का हमारा कोई नहीं है। जब मैंने कोई भी सिविल एप्लीकेशन लगाई है, इसके पास कोई भी मेरे खिलाफ कोई भी सबूत नहीं है। ये जाता है झूठी एप्लीकेशन लगाता है और उसके बाद वहां जाके एक ही बात बोलता है, इसके साथ जो लोग भी जाते हैं वो ये कहते हैं कि आप अपना स्टे वापस ले लो,
बस और कुछ नहीं है, और ये पॉलिटिकल अप्रोच भी लेके आता है और भी कुछ लेके आता है। इसने तो मेरे साथ, मैं आज बोलूंगी, इसने मेरे साथ इतना बुरा किया, इसने कुछ लोगों को जो मैं नहीं जानती, इसने एक बार मेरे साथ ये किया कि ब्लैंक पेपर पे मेरे से जबरदस्ती साइन कराया जिन लोगों को मैं जानती नहीं हूं, और यूं मेरे से ये कहा गया अगर तू इस पे साइन नहीं करेगी तो तेरे परिवार के खिलाफ झूठा मुकदमा बनाया जाएगा क्योंकि पुलिस सब कुछ हमारी जेब में है और तुझे कुछ नहीं कर पाएगा। ये मुझे और मेरे परिवार को इस घर से निकालना चाहता है, हमारे हमारे घर पे कब्जा करना चाहता है क्योंकि इसके जो 91 का नक्शा है उससे पूरी इंटेंशन आती है। ये आए दिन इसने पूरे कैमरों से मेरे घर को भी कवर किया है, मेरे बूढ़े माँ बाप यहाँ रहते हैं और मेरी विधवा बहन यहाँ रहती है और बाकी मेरे दोनों भाई बाहर रहते हैं। ये हमें बार बार झगड़ा करने के लिए रोज उकसाते हैं, हम इससे नहीं बोलते। ये लोग इस हद तक है कि आज भी इनके पेशेंट वहां एडमिट है। आप पे क्यों आरोप लगा रहा है आपके भाई? ये स्टे को वापस लेने के लिए और मेरे घर पे कब्जा करने के लिए ताकि हम यहाँ से निकल के चले जाए। पुलिस ने आश्वासन दिया और पुलिस अपना काम ईमानदारी से करे, लेकिन इन लोगों से हम भी परेशान है। ये चाहते है कि हम घर छोड़ के चले जाए। अब मेरा भाई एक बीकानेर काम करता है, एक जैसलमेर काम करता है, ये तो रोज झूठे नाम लिखवा देगी। क्या मेरा भाई रोज यहाँ पे झूठे नाम लिख के रोज अपने एविडेंस के प्रूफ ही देते रहेंगे? काम नहीं करेंगे, हम कमाएंगे खाएंगे क्या? नहीं, अगर अगर हमें जीने का हक नहीं, अगर मेरा रास्ता रोका जा रहा है, अगर मैं सिविल कोर्ट में जाती हूँ तो इसका मतलब है कि हमारे ऊपर झूठा मुकदमा करके हमारे से वो केस वापस लिया जाएगा। मेरे पास सिर्फ इसने 5 फुट में से 2 से 2.5 फुट का रास्ता छोड़ा हुआ, उसमें भी बाइक लगा देते हैं, व्हीकल लगा देते हैं, नाली का पानी है, सब कुछ बहाते हैं। और जब भी मैं किसी भी सिविल अपील में या मैं सिविल कोर्ट में कोई भी सिविल एप्लीकेशन लगाती हूँ, मैंने सीएम साहब को भी एप्लीकेशन लगाई थी कि ये हमें परेशान करते हैं, मेरे को मेरे घर के आगे नाली से पानी करते, इसने कैमरे से मेरा घर कवर किया हुआ, हम इनसे कुछ नहीं कहते लेकिन नाजायज तौर से रोज हमें परेशान करते हैं। मैंने मेरा पूरा घर सीसीटीवी फुटेज में कवर किया हुआ है, मेरे भाई बाहर रहते फिर भी आए दिन कुछ ना कुछ हमें परेशान करते रहते। अगर सिविल नहीं, अगर मुझे जीने का अधिकार नहीं है ना, अगर मैं अपने रास्ते के लिए, अगर अपने अपने सिविल राइट्स के लिए अगर लड़ती हूँ और उनको झूठे मुकदमे में फंसा के अगर सिविल राइट्स मेरे लिए जाते हैं तो फिर हमारे लोकतंत्र का फायदा है। और मैं फिर सीएम साहब से, गृहमंत्री साहब से कहती हूँ कि मैं मेरे पूरे परिवार के साथ सुसाइड कर लेती हूँ और मेरा मकान ये ले लेगा और स्टे भी हट जाएगी और ये रह लेगा और फिर कोई बात ही नहीं रहेगी। नहीं, मेरा सवाल ये, वो आपकी आपसी पुरानी लड़ाई है लेकिन उसके साथ जो हुआ उसको आप किसी तरीके से जायज मानते हैं? मैं तो भरे बाजार उसको मारा गया, मैं उसको जायज नहीं मानती, लेकिन मेरे और मेरे भाई का और मेरे परिवार का इस घटना से कोई संबंध नहीं है। और मैं तो ये भी अपील करती हूँ कि इसका नार्को टेस्ट कराया जाए ताकि जो अपराधी है वो खुलकर सामने आए। तो जिन्हें मारा है उनको सजा होनी चाहिए आपको लगता है? जिन्होंने मारा है उनको सजा होनी चाहिए, मैं बिल्कुल नहीं कहती, क्योंकि मैं एक एडवोकेट भी हूँ और मैं मानती हूँ कि कानून को तोड़ना और कानून को हाथ में लेना गलत है। और मैं खुद एक लॉ को मानने वाली हूँ। ये मेरा फ्यूचर, मेरा कैरियर सब कुछ बर्बाद करने के लिए हमारे साथ ऐसा कर रहे हैं। लेकिन जिनने किया उनको सजा मिलनी चाहिए। जिसने, मैं चाहती हूँ कि जिसने गलत किया है उनको सजा मिलनी चाहिए, लेकिन जो निर्दोष है ना उनको सजा नहीं मिलनी चाहिए। अगर ऐसे ही होता रहा तो फिर कानून का और यहाँ पे कुछ नहीं रह जाएगा। ये बल्कि खुद कानून को गुमराह कर रहा है बार बार, ये पुलिस को सबको झूठे नाम बोल के गुमराह करता है। ये जितने भी झूठे एलिगेशंस लगाता है, तो मैं तो कहती हूँ अगर आप, मैं तो सरकार से अपील करती हूँ कि नार्को टेस्ट किया जाए जिससे कि सारे झूठे एलिगेशंस निकल के आ जाएंगे कि कौन सही है कौन गलत है। और मैं एफिडेविट देने को तैयार हूँ, मैं मेरे पूरे परिवार की फोन कॉल डिटेल देने को तैयार हूँ, सब कुछ देने को तैयार हूँ अगर ये कहते हैं कि किसी भी चीज से हमारा इससे लिंक है। तो मैं सब कुछ पुलिस को कोऑपरेट करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरे भाई का झूठा नाम लिया गया है और मैं अपील करती हूँ कि जो मेरे भाई को झूठे, एसपी से भी मिले थे जाकर? हाँ जी, एसपी साहब से मिले थे आप? हाँ जी। क्या आश्वासन? एसपी साहब ने कहा था कि आप जो, अगर आपका भाई निर्दोष है तो उसको न्याय मिलेगा। तो सुना आपने, ये जिस युवक का नाम आ रहा है उसकी बहन है निशा एडवोकेट, इसका भी बयान हमने आपको सुनाया। इसका साफ तौर पे कहना है कि जिस दिन वारदात हुई उसके भाई घर पर नहीं थे, उसके भाई 16 तारीख से ही बाहर गए हुए हैं और वो बाहर जॉब करते हैं बीकानेर और जैसलमेर। तो जाहिर है ऐसे के अंदर एक बड़ा सवाल है कि जो राजेंद्र ने नाम लिए हैं उनकी जांच होनी चाहिए, क्या वो मौके पर मौजूद थे या नहीं थे। हालांकि पुलिस सब एंगल से जांच कर रही है और इसी मामले को लेकर के एसएचओ जो सिटी थाना के प्रभारी हैं वो क्या कहते हैं वो भी हम आपको सुनवाते हैं। अब एक झगड़ा हुआ था 22 तारीख को जी, दवाई की दुकान के बाहर, उसमें क्या अपडेट है, क्या कार्रवाई उसमें हुई है, कितने खिलाफ लोगों के खिलाफ FIR दर्ज वगैरह की गई है? 22 तारीख को जो झगड़ा हुआ था सब्जी मंडी में नाईवाड़ी चौक के पास, उसमें कंप्लेनेंट है राजेंद्र सिंह भगवान दास मोलाराम दास का। जब ये फ्रूट की रेडी लगाता है, रेडी ऑफ करने के बाद में
इस पे हमला किया गया और राजेंद्र ने बयानों में अपने बयानों में टोटली ये अभिषेक एलियास अंगद मोनू जो इसका भाई है ये मौला रामबास के हैं, रिंकू सुनो खुशी राम, रिंकू हो गया खुशी राम, इसके अलावा इल्लू जो खुशी राम एलियास इल्लू है, सेकंड में विक्रम रामोदार विकास, इनका नाम नामजद करके मुकदमा लॉन्च करवाया था। इन लोग ये लोग असेंबल होता है इकट्ठा होके और अंगद ने पिस्टल का जो बट है वो चेहरे पे उससे चोट मारी, उसके बाद में लाठी डंडों से इसको पीटा, तो मौके पे इंजर्ड पुलिस पहुंच गई थी वहां विद इन 10 मिनट सूचना मिलते ही। और उसके बाद में जो इन्होंने शिकायत की, शिकायत के अकॉर्डिंग हम इस पे एफ आई आर लॉन्च की, जो एफ आई आर हमने लॉन्च की वो सेक्शन 148, 149, 323, 325 इवन लूटर एलिगेशन लगाया था कि 30,000 रुपये लूटे, 379 506 हमने ये एफ आई आर लॉन्च की। इसके थोड़ा प्रीवियस हम पीछे जाए तो इनका जो पारिवारिक झगड़ा है, जहाँ इनका मकान है वो बड़े कंजेस्टेड जगह में है, जो बीच का जिस पांगन बोलते हैं वो छोटी जगह है, उस पर नाले को लेकर इनका विवाद था। ये जो अंगद है इस अंगद के खिलाफ एक पहले भी केस लॉन्च हुआ था जिसमें हमने इसको अरेस्ट किया था, तो उसी एवज में झगड़ा हुआ है। झगड़े इस केस की इन्वेस्टिगेशन के दौरान हमने इसमें जो अक्यूज है अभिषेक एलियास अंगद, इसका भाई मोनू, और सेकंड में जो थर्ड है वो सुरेश एलियास कछुआ नाम से जो लड़का है, इन तीनों को हमने अरेस्ट किया है। मौके की फुटेज भी है, पुलिस ने अपने तौर पर पता भी किया है, और इन्वेस्टिगेशन में जो गवाह है जिनके बयान लिखे उनके अकॉर्डिंग तो अभी तक तो सामने ये बात आई है कि मेन चोट मारने वाले लड़के दो हैं जिसमें अंगद है और सेकंड कछुआ है। जो मोनू है इन्होंने जगह की रेटी की थी, इन्होंने इंटीग्रेशन की प्लान में शामिल है। बाकी व्यक्तियों पर जो मुदई पक्ष एलिगेशन लगा रहे हैं उसके लिए हम गहराई से जांच कर रहे हैं, किसी की संलिप्तता पाई तो ये भी नहीं बच सकता। अच्छा, ये पूरा घटनाक्रम किस वक्त का है? ये लगभग 7:45 का है, इवनिंग का। इसमें एक पक्ष ये कह रहा है जो विकास का नाम है, बोलो वो तो यहाँ है ही नहीं, उसकी बहन एडवोकेट भी है, पहले भी आपसे मेरी बात, मैंने पहले भी आपको कहा था हाँ। जो भी इस केस में नामजद है, जो मेन अक्यूज जो अरेस्ट हुए हैं, इनकी पूछताछ हमने की है, ये जुडिशियल कस्टडी में है। इसके अतिरिक्त बाकी जो नामजद है हमने सभी पहलुओं पर इन्वेस्टिगेशन करेंगे, किसी को भी इनोसेंट आदमी को जेल नहीं भेजा। इसमें रिवॉल्वर भी बरामद किए, जैसे वो कह रहा कुल्हाड़ी से भी मारा, अभी हम भी बात करके आए, मतलब कुल्हाड़ी इसमें वेपन की जो बात है वो पूछताछ में सामने नहीं आई कि वेपन था, जो बैसे के डंडे होते हैं इनसे छोटे मारे गए, वो हमने रिकवर। लेकिन वो मीडिया के बयानों में बार बार कह रहे हैं, बोले मेरे रिवॉल्वर का बट मारा, मेरे को गोली मारने की, जान से मारने की धमकी दी मेरे को। अब तक की इन्वेस्टिगेशन में बात सामने नहीं आई। अच्छा जी, और जितने लोगों के जो नाम लिए जा रहे हैं, क्या लगता है आपसे रंजीश के भी चलते इसमें नाम बढ़ाए जा रहे हैं लगातार, की जैसे विकास का नाम आ रहा है, वो तो आउट ऑफ स्टेशन है कई दिनों से। जो भी नाम इस केस में आए हैं उनकी सभी व्यक्तियों की इंडिविजुअल हम तहकीकात करेंगे, उनका पक्ष जानेंगे, झगड़े के समय वो कहाँ थे, क्या कोई सीसीटीवी फुटेज के दायरे में है, किसी की लोकेशन के बेस पे है, मुद्दे की भी पूरी बात सुनी जाएंगी और जो एक्यूज पक्ष है उनकी बात सुनी जाएंगी, गलत किसी का सुना। अच्छा, इनका झगड़ा पिछले कितने दिनों से चल रहा है, जो आपसे जो विवाद है जिसको लेकर के उसी रंजिश के तहत इन पर हमला भी किया गया है, जो बता रहा है पीड़ित पक्ष जो ये 1.5 साल से इनका पीछे चल रहा है, वो झगड़े की जो रंजिश है पुलिस ने प्रिवेंटिव एक्शन भी लिया है, जब भी पुलिस के पास शिकायत आई है पुलिस ने निवारक कार्रवाई भी की है। अच्छा, और कार्रवाई के दौरान जो भी पुलिस ने एक्शन लेने में कहीं भी कोई कोताही नहीं की, ना इसमें डिले किया, नहीं आपने नहीं किया। एक वहां जो सीसीटीवी लगे हुए थे उनके फुटेज आपने देखे, कितने लोग वहां मार रहे थे, पीट रहे थे, कुछ आपके पास वीडियो लगाई, आसपास जो कैमरे लगे रहे थे फुटेज के अकॉर्डिंग? चोट मारने में पहले ही बताया, चोट मारने में 2 आदमी फुटेज में दिख रहे हैं। अच्छा, प्लानिंग में कितने आदमी हो सकते हैं जांच कर सकते हैं। तो आपने सुना एसएचओ सिटी क्या कह रहे हैं पूरे मामले को लेकर के, लेकिन आपको बता दें जिस दिन ये वारदात हुई शहर में इस वारदात को लेकर के हड़कंप हो गया, किसी भी तरीके से इस वारदात को जायज नहीं ठहराया जा सकता। जिस तरीके से बदमाशों ने हमला किया है, हालांकि वो पुलिस की गिरफ्त में भी चले गए हैं, लेकिन किसी भी तरीके से जायज नहीं है। ऐसे में सवाल उठता है कि राजेंद्र सैनी को न्याय मिलना चाहिए, और न्याय मिलने के साथ साथ पुलिस को भी निष्पक्ष कार्रवाई करनी चाहिए, कहीं ऐसा नहीं हो इस कार्रवाई में बेकसूर फंस जाए।
लेकिन जिस तरीके का जो मामला निकल के आया है कि ये आपसी रंजिश से भी जुड़ा हुआ मामला है, इनका कोई जमीनी विवाद चल रहा है जैसा राजेंद्र सैनी ने स्वयं बताया, और जिन पे आरोप है उस निशा एडवोकेट ने भी बताया कि इनका आपसी कोई विवाद चल रहा है, उसको लेकर के उनके भाइयों का नाम इसमें लिया गया है। सवाल उठता है कि ऐसे में अगर पुलिस निष्पक्ष जाँच करेगी तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। साथ ही के अंदर वो नार्को टेस्ट की भी मांग कर रही है कि ऐसे अगर हमारे भाई दोषी हैं तो इसमें उनका राजेंद्र सैनी का नार्को टेस्ट करवाना चाहिए। वहीं पीड़ित पक्ष का कहना है कि जो ये हमला हुआ है वो आपसी रंजिश के चलते हुआ है, जान से मारने की बकायदा कोशिश की गई है। हालांकि पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार करके एक अच्छा परिचय भी दिया है, तुरंत जो कार्रवाई की है वो भी कहीं ना कहीं सराहनीय है, लेकिन अब सवाल उठता है कि इसमें अगर निष्पक्ष कार्रवाई होती है तो दूध का दूध और पानी का पानी भी हो जाएगा। कैमरा पर्सन पंकज के साथ मोहनलाल एचआर न्यूज़ रेवाड़ी। श्री चैतन्य टेक्नो स्कूल है आपके बच्चों के भविष्य के सक्सेस की एशियाज लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, अवार्डेड एशियाज ग्रेटेस्ट ब्रांड एंड मोर, एक्सपर्ट इन ओलंपियाड्स, IIT, JEE एंड नीट विद CBSE करिकुलम। 36 सालों से क्वालिटी एजुकेशन विद 8 लाख स्टूडेंट्स एंड 700+ कैंपसेस का भरोसा। अब रेवाड़ी में फॉर एडमिशन विजिट नाउ एट रेवाड़ी।